नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ के लिए क्रैश कोर्स का लेसन नंबर फर्स्ट है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिनका रेलवे आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट साबित होने वाली है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, ये हमको बताना है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका आंवला। क्या दोस्तों? आंवला जो है वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, और सबसे ज़्यादा आंवला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है आपका कि मानव गुर्दे में या मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये हमको बताना है। यहाँ पर राग की मात्रा चला लीजिएगा। तो मानव शरीर में गुर्दों का जो आपका मुख्य कार्य होता है, वो होता है आपका शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। जी हाँ दोस्तों, शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। किस में दोस्तों? गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है किसका? तो ये आपका तने का भूमिगत प्रारूप है। किसका दोस्तों? तने का। नेक्स्ट है आपका कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो आपका आविष्कार है, वो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है आपकी 206। कितनी दोस्तों? 206 शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी अगर अस्थि की बात करें, तो वह आपकी फीमर। कौन सी दोस्तों? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की जो आपकी हड्डी होती है, जिसे दंत ब्लग भी कहते हैं, वो आपका तत्व होता है। तो ये आपका शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मिनट में, या हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है? तो हृदय जो है हमारा, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना दोस्तों? 72, यानी कि 72 टाइम्स बार धड़कता है आपका हृदय एक मिनट में। नेक्स्ट है आपका, खून का रंग लाल होता है किसके कारण, ये हमको बताना है। तो खून का जो आपका रंग लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन जो है, ये आपका प्रोटीन का यौगिक है। किसका दोस्तों? प्रोटीन का यौगिक है आपका हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 120 दिन। कितना दोस्तों? 120 दिन आपका लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। नेक्स्ट है आपका कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक करता है कौन? तो रुधिर का थक्का जमने में सहायक करता है आपका विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोकिनोल विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग कहलाता है आपका प्लाज्मा। क्या दोस्तों? रुधिर का तरल भाग कहलाता है आपका प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्या होता है? सर्वदाता होता है आपका ओ, और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। ठीक है, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पर? तो पित्त जो होता है, वो आपका यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ पर दोस्तों? यकृत में उत्पन्न होता है आपका पित्त। नेक्स्ट है आपका कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है आपका 120/80। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी जानते होंगे। रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? तो रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है आपका ब्रग, जिसको हम किडनी कहते हैं। क्या दोस्तों? रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है आपका ब्रग, जिसको हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका तंत्र कोशिका। कौन सी दोस्तों?
तंत्रिका तंत्र कोशिका जो है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे, तो हाइड्रोफोबिया आपका कुत्ते के काटने से संबंधित है। किससे दोस्तों? कुत्ते के काटने से संबंधित है आपका हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है आपका कि वायरोलॉजी संबंधित है किससे, तो वायरोलॉजी आपके विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। किससे दोस्तों? विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है आपका वायरोलॉजी। खून का थक्कर नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। किसमें दोस्तों? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे, तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो आपके रोग है ये आपके आँख से संबंधित हैं। किससे दोस्तों? आँख से। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, तो प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया रोग का परजीवी है। किसका दोस्तों? मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रोग का प्रतिकरण है। किसका दोस्तों? इलेक्ट्रॉन रोग का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन। जड़ों जी आपका जाड़ों लिखा है, सही कर लीजिए। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकलगंद, ये सब की सब आपकी जड़ें हैं या जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण हैं। और तने के रूपांतरण के उदाहरण बताइए, आलू हो गया, अदरक हो गया और प्याज हो गया, ये सब आपके तने हैं और तने के रूपांतरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा काय में पाई जाती है, तो लोहे की जो आपकी मात्रा या लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा आपकी पालक के पत्तों में पाई जाती है। अगर ऑप्शंस में पालक के पत्ते नहीं दिया तो ज़रूर से हरी सब्जियां दिया होगा, तब जाके आपकी हरी सब्जियां आंसर में लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है आपकी 5 से 6 लीटर स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तने के रूपांतरण का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको पढ़ाना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका माइकोलॉजी। कवक का छोटा भाई होता है आपका शैवाल, शैवाल का अध्ययन कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। और कवक और शैवाल को जब हम मिला देंगे तो बनेगा आपका लाइकेन। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लाइकेन की खोज किसने की थी, तो लाइकेन की खोज की थी आपकी तुलासले ने। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में, तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो कैल्शियम व फॉस्फोरस पाया जाता है हड्डियों में। नेक्स्ट है आपका कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, देखो यहाँ पर गलत लिखा है, ये 46 था, इनने 64 कर दिया टाइपिंग में, तो गलत है। तो देखो 46 होती है और जोड़े में तो बिल्कुल सही लिखा, 23 जोड़े, ठीक है। जब तक एग्जामिनर आपसे जोड़े के बारे में ना पूछे तब तक आपको आंसर में जोड़े नहीं लगाने हैं। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 46, अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण कितना होता है या कहाँ पर होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जो आपका निर्माण है ये आपका अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर, तो ये अग्नाशय में बनती है। कहाँ पर दोस्तों? अग्नाशय में बनती है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो ये आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कहाँ पर दोस्तों? मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया आपका वर्णांतर जैसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और एक है आपका हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से दोस्तों? थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है आपका कि मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछलियाँ जो हैं ये गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। किसके द्वारा दोस्तों? गिल्स या गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं मछलियाँ। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपका जठर रस में पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काय में पाया जाता है? जठर रस में। नेक्स्ट है आपका कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कवक और शैवाल के मिलकर बना होता है आपका लाइकेन। नेक्स्ट है आपका कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टॉयलिन जो है वो आपका लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। क्या दोस्तों? टॉयलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ चुका है ALP टेक्नीशियन CBT 2 में। भोपाल गैस कांड जो कि आपका 1984 में हुआ था, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, आप सभी जानते हैं MIC। काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडियो को, और काला सीसा कहते हैं आपका ग्रेफाइट को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।
शरीर का सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, इसको हम शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं किसको? तो एड्रिनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। किसको दोस्तों? एड्रिनल हार्मोन्स को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस में? तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। किस में दोस्तों? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं आपकी लाइसोसोम को। किसको दोस्तों? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट फर्स्ट। तो आज से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की डेली वीडियो चाहते हैं 50-50 क्वेश्चंस की? अगर आप चाहते हैं तो मैं इस कोर्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे, केवल और केवल आपकी डिमांड के अनुसार ये आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।